subscribe to Sales Wala Studios, and do not forget to click on the bell icon. लेकिन मेरा मन में कभी गवर्नमेंट नौकरी करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को एक इंटरेस्ट था कि मैं जो करूंगा खुद के लिए करूंगा और मैं जॉब क्रिएट करूंगा। ये सोच के साथ हम आगे बढ़ते रहे। डिफिकल्टीज बहुत हुआ, पैसा भी बहुत अर्न किए इस मोमेंट में, और बहुत सारा पैसा हमने गवाए भी है। अच्छे। लेकिन बहुत हम फाइनेंशियल क्राइसिस में से भी बहुत गुजरे। पिछले 3 साल से मैं बहुत, मेरे ऊपर करीब 15-20 लाख का लोन चढ़ गया था, उसको क्लियर किए। आज की हमारी गेस्ट है श्री सुब्रत पोद्दार। सुब्रत सीईओ एंड फाउंडर है किसान कार्ड्स एग्रो मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। सुब्रत, स्वागत है आपका लेजरली बातों में। कैसे हैं आप? धन्यवाद शुभदीप, हम बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक है। कोरोना मोमेंट में जितना अच्छा रहना चाहिए अभी तक उतना ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया है। हालांकि केसेस हमारे आसपास में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, इसी अच्छा। समय में खुद को सेफ रखना एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है, तो परिवार और हम सब भगवान की कृपा से अच्छी है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ बिहार से। जी, मैं भी वेस्ट बंगाल का कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट से जुड़ रहा हूँ। अच्छा। और कुछ बिहार में तो अभी लॉकडाउन भी चल रहा है। राइट। और शुरुआत ये करते हैं सुब्रत, आपने बड़ा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, तो शुरुआत थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा अपने बारे में बताइए और अपने कंपनी के बारे में बताइए, और ये सोच आपके दिमाग में कैसे आया कि कैसे एक नौजवान एग्रोटेक और या एग्रो मैनेजमेंट में काम करने की इच्छा कैसे आई आपके पास? सबसे पहले तो आप सबका, आपके दर्शक को मैं किसान कार्ड एग्रो मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, वेलकम करना चाहूँगा। ये जो कंपनी हमने क्रिएट किए है, इसको हम परमिशन किए 2018 में, लेकिन इसके ऊपर लगभग 2012 से मैं काम कर रहा था। अच्छा। तब मैं BSc सेकेंड ईयर शायद में पढ़ता था। अच्छा। एक दिन हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हालांकि मेरा जो बर्थ प्लेस है वो कोलकाता है, पढ़ाई और बड़ा नॉर्थ बंगाल में हुआ हो, तो ये पूरा नॉर्थ बंगाल एरिया जो है ये एक एग्रीकल्चर एरिया है। 90% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ये एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, और यहाँ पे जो किसान का समस्या है वो पूरा भारत की तरह ही लगभग है। हर साल या तो बारिश ठीक से नहीं होता, तब किसान को प्रॉब्लम होता है, फसल अच्छे से नहीं होता तो प्रॉब्लम अच्छा होता है किसान के साथ होता है, कभी कभी फसल बहुत ज्यादा अच्छा हो गया तब भी किसान के साथ प्रॉब्लम हो रहा है होता। अच्छा। था क्योंकि उसको अपना फसल का जो है वो उनको वो सही भाव ही नहीं मिल रहा था। ऐसा ही एक कहानी मेरे साथ हुआ। मैं जिस एरिया में रहता था वहाँ पे जो मार्केट है, लोकल मार्केट है जहाँ से लोग सब्जी खरीदते हैं, उस लोकल मार्केट से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर मंडी है जहाँ पे किसान अपना माल बेचते हैं। उसी मंडी में चिली फार्मर्स जो है, जो उन्होंने जो चिली का खेती किए थे, तो हम देख रहे थे एक दिन वो चिली अपना रोड में फेंक के प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऐसा प्रोटेस्ट हर रोज होता था, हमारा साल में बहुत बार होता था। कभी जो कुकुम्बर गुअर है वो ऐसे करते, खास करके सब्जी जितना टाइप, हमारे नॉर्थ बंगाल में ये वन ऑफ द पुसाका, आईआर पुसाका वन ऑफ द टॉपेस्ट वेजिटेबल बेल्ट है। अच्छा। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया में वेजिटेबल सप्लाई होता है, और नॉर्थ ईस्ट में तो नॉर्थ ईस्ट का मेन सप्लाई बोल नॉर्थ बंगाल रीजन है। अच्छा, तो नॉर्थ ईस्ट का पूरा ज्यादा से ज्यादा जो सप्लाई है वो वेस्ट नॉर्थ बंगाल से ही उत्पादन होते हैं। नॉर्थ बंगाल से होता है। अच्छा। उत्पादन होते हैं तो यहाँ से होते हैं।
लेकिन फिर भी ये होने के बाद भी हम फिर हमने पूछा कि ऐसा क्यों, क्योंकि हम उस समय भी जो 40 रुपए किलो मिर्ची खरीद रहे थे, हम खुद खरीद रहे थे, उनको मिल रहा था, उनको वहां पे भाव मिल रहा था 50 पैसा। तो ये मेरे को कैसे हो सकता है, जो चीज का कीमत मार्केट में 40 रुपया होगा, वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर में उसका कीमत कैसे 50 पैसा हो सकता है। और वहां पे फ्रस्ट्रेटेड होके उसी दिन एक फार्मर्स ने क्या किया, ट्रक के नीचे कूद के अपना जान दे दिया। तो ये मेरे को बहुत हर्ट किया। मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, वो पेपर में, न्यूज पेपर में भी आया था कहानी। तो उसी दिन से मैंने पूरा इसके ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया था। कि फिर मैंने जब इंटरनेट में गया, मैं स्टडी किया, तो मैंने देखा कि एग्रीकल्चर जिस ढंग से हो रहा है, इसमें सबसे एक तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो मिडिल मैन का, जो बिचौलिया जो है वो किसान का सारा चीज खा जाता है। दूसरा प्रॉब्लम जो है, किसान को जो वो अपना खेती कर रहे हैं, उस खेती करने के समय में वो अपना खेती को मैनेजमेंट नहीं कर पाते। किसान तो बहुत हार्ड वर्क वो कर सकते हैं, वो रिस्क भी ले सकते हैं, लेकिन रिस्क और रिवार्ड इस दोनों को जो मैनेजमेंट करने का जो कोशिश होता है वो किसान नहीं कर पाता। अच्छा, तो मैंने ये सोच के इसके ऊपर मैंने स्टडी करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। मैंने खुद करीब 10,000 किसान से जाके मिलना शुरू कर दिया। 2 साल में मैं 10,000 किसान से मिला हूँ। मैं हर रोज जाता था, 2, 3, 4, 5, 10, 12 ऐसे किसान से मिलता था। यहाँ पे करीब 4 डिस्ट्रिक्ट, मैं आसाम में भी चला गया, वहां का किसान का क्या समस्या है ये करने के लिए मैं खुद अकेले ये सर्वे किए। करीब 2 साल में मैंने करीब 10,000 सैंपल जुटाए, सैंपल में सर्वे किए। इस करने के बाद मैं जो निष्कर्ष में पहुंचा कि मेन जो है हमारा किसान जो है खेती अपना पेट पालने के लिए करते हैं, इसको बिजनेस सेंस में करता नहीं है। किसान के पास उनके पास ये थिंकिंग नहीं है, इट इज आल्सो लुक्रेटिव बिजनेस मॉडल, ये भी एक बिजनेस है, इसी ढंग से वो नहीं करता। एक छोटा सा शॉप वाला अगर अपना शॉप चलाता है तो अपना कैश से लेके अपना इन्वेंटरी से लेके हर कुछ वो मैनेज करता है अपना दुकान पे। लेकिन किसान इतना बड़ा पैमाने पे खेती होता है, इतना किसान उस एक साथ में काम करते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजमेंट किसान का जो हालत वो यही होता है। उनको ये भी तक पता नहीं है कि उनका जो वो जो खास करके अपना खेत में जो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, उनको ये भी नॉलेज नहीं है कि उनका खेती में कितना फर्टिलाइजर एक्चुअली चाहिए होता है। अच्छा। और जो फर्टिलाइजर वो यूज कर रहे हैं वो सारा का सारा केमिकल फर्टिलाइजर। अगर मैं केमिकल कोई दवा लूं तो पहले मैं जाके क्या करूंगा, मैं डॉक्टर के पास जाके पूछूंगा, उससे प्रेस्क्रिप्शन लूंगा, उस प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से दवा लूंगा। बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि मैं 2, 4, 10 गोलियां अपने आप खा जाऊंगा और मेरा उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। सेम चीज किसान के साथ हो रहा है, उसका बगल वाला खेत में अगर वो 40 किलो यूरिया डाल रहा है तो अपना खेत में भी 40 किलो यूरिया डाल रहा है। उनको पता भी, ये भी सेंस नहीं है, ये भी पता नहीं है कि उनका खेत में 40 किलो यूरिया चाहिए कि नहीं चाहिए। प्रॉब्लम होने से पहले भी खास करके जो एग्रीकल्चर जो केमिकल पेस्टिसाइड बनाने वाला दवा बनाने वाला कंपनी जो है वो जो मार्केटिंग करते हैं, उनका मार्केटिंग उनका एडवर्टाइजमेंट देके वो क्या करते हैं कि चलो भाई पहले ही धान बो दिया उसके बाद 15 दिन में ये डालो, सब किसान वही दवा डालने में लगे हुए हैं। उनको ये भी एक्चुअली पता होना चाहिए कि वो दवा उनके लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, उनका जरूरत है कि नहीं। तो ये जो ओवर वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, इससे क्या होता है उनका प्रोडक्शन कॉस्ट हर साल बढ़ता जा रहा है, और उधर से जो फसल उन वो लोग पैदा कर रहे हैं उनका जो भाव जो है उनको अपना लोकल मंडी में नहीं मिल रहा।
तो ये जो दो चीज, मतलब इसमें अगर हम काम कर सकते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि किसान को हम समझा सकते हैं कि उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसको किस तरह से धीरे 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 मिनिमाइज करना है एक बार में नहीं, क्योंकि अभी उनका जो खेती का जो पैटर्न है वो उस तरह से ढल चुके हैं। अगर आप कोई दवा लेने का एडिक्टेड हो तो आप एक बार में वो दवा आप कम नहीं कर पाओगे, आपको धीरे 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 उसको कम करना पड़ेगा। और दूसरा चीज है, किसान को क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में कोई सेंस नहीं है अभी तक कि जहाँ पे धान हो रहा है सेम जमीन में वो धान ही उगा रहे हैं सालों साल, सालों साल फसल अच्छा नहीं हो रहा है, पैदा अच्छा नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि और ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करना है। वो केमिकल फर्टिलाइजर का मात्रा बढ़ाते जाते हैं अपना जमीन में। अच्छा, लेकिन उस जमीन का जो क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना है, भैया अभी धान हमने किए है उस जगह में, धान की जगह में अगर हम मकई का खेती करते हैं तो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होगा, उसमें आपका जो खाद है उसका अमाउंट जो है वो कम डालना पड़ेगा और जमीन का जो गुणवत्ता है वो भी ठीक ठाक रहेगा। तो कौन सा एरिया में, कौन सा पैटर्न में, कौन सा मौजा में, किस तरह से क्रॉपिंग को पैटर्न करना है, क्रॉप साइकिल जो है उसको रोटेट करना है, ये जो है हमारा गवर्नमेंट के पास सब तरह का मशीनरी है। हमारा एरिया में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, कोई कमी नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, लेकिन हर डिपार्टमेंट रह रहे हैं वो जैसे किसान को थोड़ा सब्सिडी मिले किस चीज में, किसी को कोई ट्रैक्टर में कोई सब्सिडी मिल जाए, किसी को कोई मान के चलिए कोई पंप खरीदना है खेत में उसमें सब्सिडी मिल रहा है, इसी में लिमिटेड है सारा कुछ। कोई किसान का जो खेती है उस खेती को भाई हम उनको समझाए, हम उनको ये समझा दे कि भाई इसको एक बिजनेस मॉडल है, आप जो कर रहे हो प्योरली आप एक प्रोडक्शन यूनिट हो, प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका प्रोडक्शन में जो है आपको वैरायटी भी लाना चाहिए, आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो भी खत्म करना चाहिए और आप जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लान भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज में काम करने के लिए हम नॉर्थ बंगाल से स्टार्ट किए हैं। तो सबसे मोस्ट जो डिफिकल्ट पार्ट था वो है किसान को समझाना, भाई तुम क्या करते हो। बेसिकली मैं कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी नहीं था, मैं एग्रीकल्चर में पढ़ाई भी नहीं था, मेरा पढ़ाई प्योरली साइंस ग्रुप में था। तो जब पूछते हैं तुमको ही, किसान हमेशा जब हम किसान के पास जाते थे तो किसान का एक ही बात था कि भैया हमको कोई सब्सिडी भी दिला दोगे क्या। अच्छा, कोई सरकारी सहायता दिला दोगे क्या। तो जब हम उनको बोलते थे नहीं भैया मैं कोई सरकार का आदमी नहीं हूँ, सरकारी बंदा नहीं हूँ, मैं कोई सरकारी सब्सिडी आपको नहीं दिला सकता, तो किसान जो है वो भी अपना टाइम हम पे बर्बाद करना नहीं चाहता। तो चलो भैया बहुत बहुत बोलते हैं, हम लोगों को तो बहुत सुनना पड़ता है, हम इतना दिन से खेती कर रहे हैं, पुश्तो खेती कर रहे हैं, तुम क्या खेती के बारे में हमको बताओगे। तो उसी समय में मैंने एक चीज और इसमें ट्राई किया कि क्यों ना हम उसी पर्टिकुलर विलेज का, कि मैं अगर जहाँ पे रहता हूँ वहां से जिस जगह में मैं किसान के साथ मिला हूँ वो कम से कम 200 किलोमीटर दूर है, 150 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, वो किसान मुझको पहचानता नहीं है, वो कभी कभी समझता है मैं कोई एनजीओ वगैरह हूँ। ऐसे किसान को लूटने के लिए बहुत सारा, उन लोगों का कोई बहुत सारा बैड एक्सपीरियंस भी है अपना लाइफ में, इसको मैं डिनाई नहीं करता। बहुत सारा कंपनी आते हैं कि भैया ये बीज लो, वो बीज लो, ये करो, अल्टीमेटली वो उनको लूट के चले जाते हैं, ऐसा बहुत होता है, सपने दिखा देते हैं और फिर उसको वो भी उसी सपने दिखा देते भाग जाते हैं। तो इसी सेंस में वो हमसे, हमारे ऊपर वो जो बिलीव है वो बिलीव वो नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैंने कोशिश की है कि क्यों ना उसी पर्टिकुलर गांव से किसी एक लड़के को उठा लिया जाए
उनको एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के बारे में विषय में कम्प्लीटली ट्रेनिंग दी दिया जाए। ट्रेनिंग देने के बाद उस बंदे को वहाँ पे एम्प्लॉय दिया जाए, लाइक जैसे कि हमारा पहले हम इस चीज को हम स्टडी किए थे, हम हेल्थ में भी स्टडी किए थे। सबसे पहले जब आदमी को 1990 का दशक में, 2000 का दशक में जैसे गांव के लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल था कि भाई वो जो परिवार जो है उसको मैनेजमेंट करना है, परिवार को छोटा रखना है, ये बीमारी इस तरह से है, हाइजीनिक इस तरह से मेंटेन करना है। गांव को लोगों को पहले समझाना बहुत टफ, पहला किसी भी चीज को समझाना बहुत टफ होता है, लेकिन एक बार उन लोगों के अंदर ये ट्रिगर कर जाता है कि नहीं भैया ऐसे करना है, तब उन लोगों का भरपूर सहयोग मिलता है। तो इसी के लिए मैंने किया क्या कि जैसे कि आशा कर्मी जैसे काम करते हैं, उनको घर घर जाके समझाते हैं, और वो आशा कर्मी जो पर्टिकुलर उसी एरिया का ही होता है, पर्टिकुलर उसी गांव का होता है, गांव का आशा होता है, तो क्यों ना अपने गांव का किसान मित्र हो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। और वो हाँ, और वो जाके अपना गाँव का अपने किसान को समझाए, तो किसान को जो है एक क्लोजनेस फील होता है और वो उनके बात मानते भी है। अच्छा, तो इसी कोशिश में फिर हमको ये आया कि हम हार्ड डिस्ट्रिक्ट में अगर करेंगे तो हम तो खुद इस डिस्ट्रिक्ट हार्ड डिस्ट्रिक्ट को हम डोमिनेट नहीं कर सकते। तो उस समय जाके हम लोगों ने एक मॉडल बनाया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम फ्रेंचाइजी डालते हैं, फ्रेंचाइजी का एक ओनर होता है, उनको हम अपना बिजनेस मॉडल समझाते हैं, वहाँ पे पहले हम किसान मित्र को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद हम किसान मित्र को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उन लोगों को हम 1000 रुपये मंथली भत्ता भी देते हैं। किसान मित्र को सबसे बेस्ट बढ़िया है कि भाई तुम हमसे जुड़े रहोगे इसके लिए तुमको 1000 रुपीज पर मंथ भत्ता मिलेगा, और अब जितना बार फील्ड में जाओगे, अब जितना काम करोगे उस काम के हिसाब से आपको कमीशन अर्न होगा। तो ऐसे एक गांव का जो लड़का है वो आराम से शुरू शुरू में 3-4 हजार रुपए मंथली कमा लेता था, और एक गांव के लड़के के लिए 3-4 हजार रुपए मंथली अर्न करना ये एनफ अर्निंग है जो वो 25-30 हजार तक वो इसको लेके जा सकता है। जैसे जैसे किसान ज्यादा जुड़ते जाएगा उतना उतना उसका अर्निंग ज्यादा होता जाएगा। इसी हिसाब में हम क्या करते थे कि हम बहुत सारा रेपुटेड खाद बीज कंपनी जो है उनके साथ टाई अप किए, तो हम डायरेक्ट वहां से खाद और बीज जो है अपना लोकल जो दुकान है उससे सस्ता रेट में हम किसान को उपलब्ध करवाने के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरा चीज है उनका जो फसल है, जैसे उनका फसल बुआई होता है तो बुआई होने के साथ साथ हमारे पास वो डेटा कलेक्शन आ जाता है किसान मित्रों के जरिए कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर मौजा में कौन सा चीज का खेती हो रहा है, कितना पैमाने में हो रहा है, और अगले 3 महीने जो उसका सर्किल खत्म होगा उसके बाद कितना प्रोडक्शन एक्सपेक्ट हो सकता है अगर कोई बड़ा नेचुरल कलामिटीज ना हो तो। तो इसी हिसाब से क्या करते हैं हम, इसी जो ये जो टाइम फ्रेम हमारे पास रहते हैं 1-1.5 महीने का लास्ट सीज में, उसमें हम बायर्स के साथ एडवांस एक्सपोर्टर्स के साथ बातचीत करते हैं कि इस साल का पिछले साल का जो प्राइस था इस साल का प्राइस के साथ में हम वो प्राइस टैली करते हैं, उस प्राइस के हिसाब से हम एक्सपोर्टर्स के साथ ट्रेडर्स के साथ हम नेगोशिएट करते हैं, और हम क्या करते हैं किसान से डायरेक्ट वो माल उठा के वो ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स को पहुंच जाते हैं। और इसमें जो है बिचौलिया जो है वो उसको हम कम कर देते हैं, इसके लिए जो ट्रेडर्स जो है जो एक्सपोर्टर्स है उसको हम सस्ते में और जेन्युइन 100% गारंटी के साथ हम माल प्रोवाइड करवा सकते हैं, और जो किसान है वो उसको हम उससे हम ज्यादा भाव में माल खरीद सकते हैं, क्योंकि बीच में जो बिचौलिया का जो मार्जिन है वो मार्जिन बेसिकली 3 हिस्से में डिवाइड हो जाता है। एक वो मार्जिन का एक हिस्सा किसान को बेनिफिट मिलता है, एक हिस्सा रिबेट के तौर पर एक्सपोर्टर्स उनको बेनिफिट मिलते हैं, और बीच
में जो हिस्सा है वो हम हमारे एंटायर ऑपरेशन चलाने के लिए वो हमारा रेवेन्यू सोर्स बन जाता है। तो इसी तरह से 2018 में हमने करीब इस बीच में हम बहुत जगह में गए हैं। नॉर्थ बंगाल एक बहुत बैकवर्ड रीजन है, यहाँ पे स्टार्टअप क्या चीज है इसके बारे में उतना नॉलेज भी नहीं था। जब हम काम करने लगे तो दोस्तों ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, गांव का लोगों ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि इतना पढ़ाई में उतना बुरा भी नहीं थे, उतना अच्छा भी नहीं थे, नौकरी कोई कोशिश करते तो ढंग का जरूर मिल सकता था। बहुत सारा मैंने ट्राई किया, प्राइमरी में भी ट्राई किया, मैं इंटरव्यू तक गया, लेकिन मेरा मन में कभी गवर्नमेंट नौकरी करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को एक इंटरेस्ट था कि मैं जो करूंगा खुद के लिए करूंगा और मैं जॉब क्रिएट करूंगा, ये सोच के साथ हम आगे बढ़ते रहे। डिफिकल्टीज बहुत हुआ, पैसा भी बहुत अर्न किए इस मोमेंट में और बहुत सारा पैसा हमने गवाए भी है। अच्छे। लेकिन बहुत हम फाइनेंशियल क्राइसिस में से भी बहुत गुजरे। पिछले 3 साल से मैं बहुत, मेरे ऊपर करीब 15-20 लाख का लोन चढ़ गया था, उसको क्लियर किए। एक ऐसा भी सिचुएशन आया कि जब अर्निंग नहीं था तो ऊपर में और वो सारा का सारा लोन पब्लिक लोन था, वो पब्लिक से हम पैसा लेके हम ये स्टार्ट किए थे। अच्छा। उसके बाद 2018 से सब कुछ ट्रिगर करना शुरू कर दिए। धीरे 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 हम बिहार से स्टार्ट किए, वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किए, असम में स्टार्ट किए, करीब 22 फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट हमने साइन किए हैं। बहुत सारा लोग हमारे साथ आए हैं, हमारा टीम में ज्वाइन किए हैं। मेरे पास एग्रीकल्चर के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, तो एक रिटायर्ड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो है उनको मैंने समझा के मेरा बोर्ड में लाया। वो एग्रीकल्चर के सारा जो प्रोज एंड कॉन्स है वो सब कुछ वो डिफाइन करते हैं, वो सब कुछ उनका डिपार्टमेंट देखते हैं। मैं सिर्फ ओवरऑल जो ऑपरेशन है उसको देखता हूँ और बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको देखता हूँ। एक चीज हमारा बराबर कमी है हमारे जो स्टार्टअप में, वो है टेक्निकल नॉलेज की कमी है। ये सारा चीज करने के लिए एक ह्यूज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है। मैं खुद से, मेरे कोई आईटी का नॉलेज नहीं है, तो हमने आईटी बंदर को ढूंढने के लिए हम उसका क्रोसिस किए हैं। उसी हिसाब से हम कलकत्ता में भी गए हैं, हम नेस्कॉम में हमारा इंक्यूबेशन भी हुआ है, वह सब भी हमको कुछ मदद मिले है। तो ये करते एक साल के बाद अचानक से 2020 में आके हमको सबसे बड़ा जो धक्का लगा वो लगा कोविड के टाइम, ड्यू ये कोविड के पीरियड में, क्योंकि पिछले 6 महीने में करीब हम 15 करोड़ का एडवांस हमने एग्रीमेंट करके रखा था आपका, वो मान के लीजिए वो बनाना का सेक्टर में था, वो मैंगो का सेक्टर में था, और सबसे ज्यादा जो सेक्टर था वो कॉर्न में था। बहुत सारा एक्सपोर्टर्स के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया, लेकिन जैसे ही ये पूर्ण लॉकडाउन लग गया तो वो सारा का सारा जो एग्रीमेंट था वो सारा का सारा कैंसिल हो गया। तो इस हिसाब से करीब 15-10 करोड़ का जो रेवेन्यू है, इतना बिजनेस, इतना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम जो है हमारे हाथ से चला गया। फिर भी पहले तो 21 दिन हमने कुछ किया नहीं, समझ में नहीं आया कि करे तो क्या करे, थाली बजाओ या ताली बजाओ क्या करे, सब कुछ किया। जब ये सारा चीज खत्म होने का कोई साइन नहीं दिख रहा, और इधर से किसान को भी बहुत सारा ड्यूरिंग दिस टाइम प्रॉब्लम हो रहा था, खास करके मेरा जो होम टाउन है कुचबिहार का, या फिर टोमेटो ग्रोअर्स का और वाटरमेलन ग्रोअर्स का बहुत सारा प्रॉब्लम उन लोगों को सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका फसल लेने वाला कोई आ ही नहीं। तो मैंने धीरे धीरे ट्राई किया कि चलो इस एरिया से कुछ किया जा सकता है। ऑल ओवर इंडिया में फोन घुमाया,
यूपी बनारस में हमारा बहुत एडवांस ये था, लेकिन फुल लॉकडाउन के टाइम भैया अभी दाने दाने खाने का मोहताज है आदमी, फ्रूट्स कौन खाएगा, ये भी एक चीज था। फिर भी जो जो स्टॉकिस्ट थे जिनके पास वो फूड स्टॉक करने के इंफ्रास्ट्रक्चर है उनसे बात किए, करने के बाद करीब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेक्टर में करीब 1 करोड़ हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स किसान को सेल करने का मदद किए, करीब 1000 से ज्यादा किसान को हमने इस टाइम में फायदा पहुंचाया। ये हमारा शुरू से लेके जो अभी तक का जो कहानी है ये मैंने बताया। नहीं, बहुत अच्छी बात है, और यू नो हम, मैं खास करके, मैं और मेरे दर्शक काफी इससे प्रोत्साहित होंगे, इंस्पायर्ड होंगे। एक चीज आप बताएं, मुझे याद है आपसे जब हम बात कर रहे थे तो आप एक, आपका जो प्रोजेक्ट है वो ग्रामीण महिलाओं के लेके उनके रोजगार को लेके है, उनके उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो कहाँ पे है ये थोड़ा हमें बताइए और हमारे दर्शक को बताइए। इसके बारे में भी जब मैं सर्वे कर रहा था, खास करके जब मैं सर्वे कर रहा था तो सर्वे में हमने एक ऑप्शन जो रखा था वो वुमेन्स फार्मर्स के लिए रखा था, तो मेरे को भी इतना पता नहीं था। जब मैंने सब कुछ जब सर्वे किए थे, सर्वे स्टार्ट करने के समय में मैंने डिस्कवर किया कि जो फार्मिंग का जो प्रोडक्शन का पूरा साइकिल होता है उस साइकिल में करीब 60% जो योगदान है वो वुमेन्स का होता है, वुमेन्स का होता है। इन द सेंस जब किसी को आप बोलिए फार्मर्स का जब हमारा सेंस में बात आता है तो इस मेल ओरिएंटेड बात आता है कि देखने में ऐसा होगा सर पे पगड़ी होगा खेत में हल चला रहा है वो फार्मर्स है, लेकिन फसल बुआई से लेके फसल कटाई से लेके वो फसल का जो हार्वेस्टिंग के बाद जो प्रोसेसिंग होता है बाजार में जाने से पहले वो सारा का सारा काम हमारे महिला फार्मर्स करते हैं। और सोचिए क्या कि जब कोई भी हो, मतलब किसान तो वैसे ही परेशान है, जब अर्निंग होता है वो सोल अर्निंग का जो प्रोप्राइटर होता है वो मेल होता है, फीमेल्स को उसका कोई कुछ नहीं मिलता, फीमेल्स का जो योगदान होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है ना। तो इसी को काउंटर करने के लिए हमने सोचा क्यों ना महिला फार्मर जो है उनको थोड़ा मौका मिलना चाहिए, उनको अर्न करने का मौका मिलना चाहिए। तो वो अर्न करे तो कैसे अर्न करे, उनको अपना परिवार भी पालना है, अपना घर को भी संभालना है, खेत में भी योगदान देना है। इसके साथ मैंने और एक प्रॉब्लम को डिस्कवर किया कि मान के चलिए जो जहाँ पे जिस चीज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होते हैं तो उस प्रोडक्शन का सेमी प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग कुछ नहीं रहता है, फार्मर्स को हमेशा डिपेंड रहना पड़ता है कि वो सेल हो जाए। और ये ऐसा फॉर एग्जांपल हमारे इधर में बहुत सारा टोमेटो ग्रोअर है, मैं एक बार फिर से बताऊंगा, जब ऐसा भी हो सकता, इस बार भी ऐसा हुआ कि टोमेटो जो है आपका 2 रुपया किलो में लेने वाला कोई नहीं था, 2 रुपीज पर केजी लेने वाला कोई नहीं है, टोमेटो अपना खेत में ही सर रहा है। लेकिन उसी टोमेटो से अगर किसान केचप बना सकता है तो वो केचप का जो सेल लाइफ है 6 मंथ के लिए है। जो टोमेटो वो बाजार में बेचेगा सबसे ज्यादा भी बेचेगा तो 15 रुपए से ज्यादा कभी किसान को मिलता नहीं है, लेकिन वही 1 किलो टोमेटो से अगर फार्मर्स केचप तैयार कर दे तो उस केचप का जो मार्केट वैल्यू है कम से कम वो 100 रुपए हो जाता है। अच्छा। और उसका जो शेल लाइफ है, शेल लाइफ भी 6 मंथ के लिए वो बढ़ जाता है। तो हमने क्या किया, हमने एग्री फूड सेक्टर में हम महिला किसान को जोड़ने लगे, हम यहाँ पे फीमेल्स मेल्स किसान को नहीं जोड़ पाते क्योंकि उनका उतना, उनके पास उतना टाइम होता है, लेकिन जो उनके पास एडिशनल टाइम होता है उसमें वो अपना मनोरंजन में व्यस्त रहते हैं, उनको उतना इंटरेस्ट होता नहीं है, लेकिन जो एडिशनल अर्निंग का जो इंटरेस्ट है वो हमेशा घर का जो महिला सदस्य है उनको रहता है, उनको लगता है कि भैया अब काम करके अगर मेरे को 2-3 हजार रुपए भी मंथली मिल जाए तो ये 2-3 हजार से वो अपना बहुत सारा चीज, बहुत सारा बच्चे का परवरिश बहुत अच्छी ढंग से कर सकते हैं।
हमने देखा कि जब फार्मर्स हैं उनके बच्चे को कुछ चाहिए, स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ हेल्प चाहिए होता है, जब मेल फार्मर्स के पास पैसा मांगने जाता है तो टिक 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 होता रहता है उनका फैमिली में, पैसा नहीं है, लोन लेके मैंने खेती किया, भाव नहीं मिला। लेकिन उसी जगह में अगर महिला फार्मर्स को कोई एडिशनल इनकम उनको प्रोवाइड किया जाए तो वो जो इनकम है वो बर्बाद नहीं होता, ना तो वो नशे में भी बर्बाद होता है, ना वो मतलब वो उनका जो फैमिली है, खास करके जो चिल्ड्रेन है उनका डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा वो अप्लाई होता है, वो यूज होता है, प्रयोग होता है। तो इसके लिए हमने किए कि हमने महिला फार्मर्स का समूह क्रिएट किया, एसएचजी ग्रुप क्रिएट किए, उनको पहले समझाए कि हमने यहाँ पे क्रिएट किए कि भैया आप एक काम कर सकते हो, आप खेती में जब काम करते हो उसके साथ आप डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारा काम कर सकते हो। पहले हम स्टार्ट किए मशरूम फार्मिंग से, हमने महिला को समझाया कि आपके पास एक छोटा सा भी अगर रूम है वहाँ पे अगर आप मशरूम का खेती करोगे तो इसमें आपको 24/7 hours आपका योगदान देने का कोई जरूरत नहीं है, और इससे जो प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन हम खरीद लेंगे आपसे, और आपको हर मंथली एक निश्चित जो आपका इनकम सोर्स है वो होता रहेगा। हमने पहले मशरूम ग्रोअर्स से शुरू किए महिलाओं को, उसके बाद हमने उनको सेमी प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स, जैसे कि चिली होते हैं, चिली से चिली पिकल कैसे बनवाना होता है, उनके बारे में हमने उनको ट्रेनिंग दिया। हमने उनको ट्रेनिंग दिया हाउ टू मेड केचप, सबसे ज्यादा जो महिला को हमने ट्रेनिंग दिए वो बिहार का पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा दो चीज पोटेंशियल है, एक तो मखाना जिसका एक ह्यूज पोटेंशियल है ऑल ओवर इंडिया, मखाना का अगर प्रिपरेशन करके उसको पैकेजिंग करके वो सेल कर सकते हैं, वो सेलिंग का जो जिम्मेदारी वो हम ले लेते हैं। दूसरा चीज है हम प्रोडक्शन में उनको दिए हुआ पे बहुत सारा बनाना होता है, तो बनाना से बनाना चिप्स कैसे मेकिंग किया जाए, और वो चिप्स मेकिंग करने के बाद वो चिप्स का पैकेजिंग सारा कुछ प्रोसेसिंग कैसे करना है उनको ट्रेनिंग हमने दिया। उनको हम मशीनरी देके भी हमने उनको हेल्प किया फ्री ऑफ कॉस्ट में, उनको हम कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ धन भी मुहैया कराए हैं कि इससे आप जो है रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, और हमने उनको ये भी किए कि आपका जो प्रोडक्शन है उसको सेल करने का जिम्मेदारी हमारा है। जब हम सेल का बारे आते हैं तो हर पैकेट में हम 1 rupee हमारा पूरा सेलिंग एंड मैनेजमेंट के लिए रखते हैं, वो भी हम सेल्स करवाते हैं वहाँ का किसान मित्रों से, उस एरिया का जो किसान मित्रों लड़का है, भैया ये तुम जाओ ये भी तुम अपना आसपास का जो दुकान है ये तुम्हारा लोकल प्रोडक्ट है इसको तुम सेल करो, तो एक पार पैकेट में तुमको जो है 75 rupees मिलेगा और 25 paisa जो है वो कंपनी का है, तो पैकेट के हिसाब से उनको मिलता, तो वो एडिशनल इनकम किसान मित्रों को भी मिल रहा है, महिला किसान को एक अच्छा अर्निंग मिल रहा है, और थोड़ा बहुत जो रेवेन्यू जो है हमारा किसान मित्रों या किसान कार्ड्स को भी हमारा मिल रहा है। इसी तरह से हम आज के डेट में करीब हमारे साथ 500 से ज्यादा महिला किसान जुड़े हुए है एज ए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। इसको हम ये मई के महीने में हम इसको 2000 के करीब लेकर जाना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू ये लॉकडाउन के वजह से हमारा कोई जो आदमी है वो घर से बाहर नहीं निकल पाया, और ये कटआउट के वजह से हमारा ये सारा ऑपरेशन अभी थोड़ा हॉल्ट में है, लेकिन अभी फिर से हम इसको चालू कर रहे हैं, अभी ऑलरेडी चालू भी हो रहा है, तो धीरे 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 करके हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर अगर तक ये कोविड का जो सिचुएशन है ये अगर थोड़ा शांत हो जाएगा तो हम फिर से ट्रैक पे वापस आ जाएंगे। बिल्कुल सुब्रत, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और इतना अच्छा लगा आपसे बात करके, आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं देश और हमारे ग्रामीण विकास के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आशा रखते हैं कि कोविड के उस पार आपसे मिले, आपके क्षेत्र में आए और आपके साथ जरूर, जरूर। पूर्णिया, हालांकि मेरी जन्मभूमि है, मेरी जन्म वहीं पे हुआ था पूर्णिया, अच्छा अच्छा मेरे लिए एक अलग ही इमोशन, जब भी आपसे पहली बार भी बात हुई थी तो
एक अलग ही इमोशन, अलग ही कनेक्ट हुआ था उसके बारे में, तो एक बार फिर से वहां जाना चाहूंगा आपके साथ। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को, और एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लेजरली बातें में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सबको भी किसान कार्ड की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद।